क्या खा रहे हैं, किचन में खड़े क्या चोरी किए क्या खा रहे हैं, तुम चोरी चोरी क्या खाते हो बताओ ना चोरी चोरी खाते हो, हम को दिखाते भी नहीं हो, तुम्हारी माँ की मलाम दुरुस्त करूं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, बहनों, भाइयों, क्या हाल है? ठीक है, तभी ठीक है मेरे बच्चे छोटे स्कूल वाले सब बहन भाई ठीक है। और आज ना मेरी बेटी जो है ना वो बना रही है क्या है, चिकन शलजम। ठीक है, तो मैंने कहा आपको ये दिखाऊं कि हमारे घर में ना, मेरी बेटी घर में भी और हमारे घर में भी चिकन बहुत खाया जाता है। ठीक है, गोश्त या चिकन हमें बहुत अच्छा लगता है, सब्जियों में इतना खास जी नहीं लगता। ठीक है, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखाओ मेरा बच्चा क्या हाल है, तभी ठीक है सब ठीक ठाक है मेरा बच्चा, मेरा सलाम कबूल करना। अच्छा आशा जी क्या बना रहे हो? ये क्या करते छील रहे हो? क्या खा रहे हैं किचन में खड़े क्या चोरी किए क्या खा रहे हैं, तुम चोरी चोरी क्या खाते हो बताओ ना चोरी चोरी खाते हो, हमको दिखाते भी नहीं हो, तुम्हारी माँ की मलाम दुरुस्त करूं और ठीक हो बच्चे? ठीक है, तो ये मेरा बेटा है ना, मेरी बेटी का घर है ये। ठीक है, तो इनके घर आई हूँ मेहमानी पे, तो ये मिल के बना रहे हैं हंडी। और ये हमारा वेजिटेबल अचार बड़े मज़े का है, खाएं आप लोग भी मज़े मज़े के साथ। मेरी बेटी जो है बनाती है चिकन कीमा। ठीक है, और ये उसके काम वाला है, काम करता है, बर्तन धोता है, काम करता है, सफाइयाँ करता है। ठीक है, बनाती है चिकन कीमा। ये प्याज टमाटर सर्व हो रहे हैं। ठीक है, ये जब दाल हो जाते हैं तो फिर इसके ऊपर कीमा डालेंगे, इंशाल्लाह मज़े मज़े का बन जाएगा। आज जो ना दिन का सालन बच्चा था तो दिल नहीं कर रहा था खाने के लिए, तो आज नई डिश बना रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरी साबुत पालक के पकौड़े, देखो ये मैंने बेसन में, सादा बेसन है बस, उसमें मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा सुरख मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला डाल के, तो ये साबुत पालक है, मैंने इनको धो लिया और इनको मैं अब इस तरह इनके साथ लगा के बैटर में एक बैटर डीप फ्राई करूँगी। अभी मज़े मज़े के यहाँ पे कुछ मैंने तैयार कर दिए थे, ये देखो। तो ये देखिए बच्चों के फ्रेंच फ्राइज बनाए थे तो मैंने कहा इनको भी कर लूँ, तो ये इनकी ऐसी लुक आती है बनने के बाद, बहुत मज़ेदार तो के बनते हैं, बड़े अच्छे और क्रिस्पी होते हैं। आप लोग चाहे तो इसमें बेसन में एक अंडा भी डाल के उसको अच्छी तरह फेंट के, तो नमक, थोड़ा सा सौरभ मिर्च और चाट मसाला डाल के आप लोग इस तरह बना सकते हैं, बड़े क्रिस्पी और बड़े अच्छे बनते हैं, मज़ेदार होते हैं, खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। बंदा कहता है खाता रहता हूँ, खाता रहूँ। ठीक है, आप लोग चाहें तो ऊपर भी चाट मसाला थोड़ा सा डाल के इनको दही की चटनी के साथ आप सर्व कर सकते हैं। मैं आपको करीब से दिखा दी हूँ, देखिए बड़ा अच्छा लुक है, ख़ासकर रमज़ान में ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है, साबुत भिंडी इस तरह तल्ले बेसन लगा के, तो ये बड़ा अच्छा होता है, इसका टेस्ट भी अच्छा होता है और कोई मुनफरद चीज़ हो जाती है। सालन पड़ा था दिन का तो खाने को दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा चले साथ कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा, कुछ नई चीज़ हो जाएगी तो सालन का भी मज़ा आएगा और कुछ थोड़ा सा
तो आप लोग के साथ भी शेयर किया कि आप लोगों को कभी चटपट कोई चीज़ बनानी हो तो ये इस तरह कर ले, चटपटी भी है और झटपट भी है, बहुत जल्दी बन जाती है और मज़े की भी है। तो ख्याल रखें, अपना अपनी दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।